अभी चलते हैं, यहाँ से एक घंटा दूर है, लोकेशन हमने डाल दिया है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं जस्ट मुंबई पहुंची हूँ, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। एंड मुंबई पहुंचने के मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि कल से मैं मतलब सो ही नहीं हूँ। कल रात से ट्रैवल 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 हो रहा है, कभी बस में, कभी फ्लाइट में, कभी क्या, तो मुझे रेस्ट भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा था कि जैसे मुंबई पहुंचूंगी सबसे पहले काम तो मेरे को सोना है, तो वो सो के उठ चुकी हूँ एंड मैं नहा के भी फ्रेश हो चुकी हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने तो सरप्राइज दिया ही मुंबई आके, बट एक और जने कोई है जो आया है मुंबई एंड काफ़ी सारे लोगों ने गेस किया, बट मैं फिर भी अभी नहीं बताऊंगी। जैसे ही मैं वहाँ पे जाऊंगी तो आप लोग को दिख जाएगा कि कौन आया है। तो ये सभी जाने वाले हैं मेघा और मैं मिलने के लिए। तो उससे पहले मैं रेडी होती हूँ एंड मैंने यहाँ पे ज़्यादा कपड़े लेके नहीं आई थी, क्योंकि 2-3 कपड़े लेके आई थी, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा रुकने का प्लान नहीं था। तो मैं सोची ये वाला जो जंपसूट मैंने पिछली बार पहना था तो मैं ये वाला पहनूंगी। एंड जब ये पार्सल आया था तो मैंने इसको ओपन करते हुए दिखाया था, तो उस टाइम मैंने आप लोग को इसका लिंक भी दिया था। बट उसके बाद मैंने इसको पहना तो बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि इसका लिंक दे दो, लिंक दे दो। तो मैं आपको इस जंपसूट का लिंक दे दूंगी। एंड गाइस बहुत ही अच्छा है ये, एक बार मैंने पहन के भी देखा तो अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो यही पहनती हूँ, क्योंकि ये लेके आई थी मैं, एक दो कपड़े और लेके आई हूँ तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो इसी को पहन देते हैं। तो ये पहन के जाऊंगी, अभी मैं थोड़ी देर बाद चेंज करूंगी कपड़े। तो यस, और गाइस जो पिछला व्लॉग था तो उसमें मैंने जैसा बोला था कि मेरे को जाना पड़ रहा है मुंबई, एक ने ऐसे कमेंट किया था कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मेरे को जाना पड़ रहा है, आपका मन नहीं है, ऐसे टाइप का कुछ कमेंट किया था। बट ऐसा नहीं है, मन वाली बात नहीं है, मेरे को था कि हाँ राखी के लिए तो मेरे को आना ही है और मैं आती भी राखी के लिए। बट उसमें मेरा बोलने का मतलब ये था कि जिस दिन मैं आ रही थी तो उस दिन नीरज से नहीं मिली थी मैं, तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं एक दिन बात जाती, बट आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बेमन से आ रही हूँ, मेरा भी मन है गाइज, मैं इतने दूर से यहाँ पे आ रही हूँ तो ऑब्वियसली राखी बनाने के लिए आ रही हूँ। एंड वैसे तो मेरी मम्मी ने साफ बोल दिया था कि रहने दे मत, इस बार का राखी मत बना, दशहरे में तुम लोग मिलने वाले हो, बट मैंने बोला नहीं भाई, मेरे शादी के बाद फर्स्ट राखी है, शादी के बाद फर्स्ट राखी, तो क्या और भी जितनी भी राखी होंगी मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगी कि मैं राखी मना पाऊँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मन नहीं था, तो वो मेरे को कमेंट आया था तो मैं जस्ट वो क्लियर कर रही हूँ आपको। तो मैं मेकअप करने वाली हूँ एंड मेकअप आज मैं यूज़ करूँगी, कहीं पार्टी वगैरह या कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें मैं थोड़ा डार्क मेकअप करती हूँ जैसे कि आपको बताइए, बट नॉर्मल डे में जब मेरे को ऐसे कहीं जाना होता है तब तो मैं लाइट सा ही मेकअप करती हूँ। तो गाइस आज मैं मेकअप तो करूँगी ही एंड मेकअप करते करते मैं आप लोग को एक हैक भी बताऊँगी जिसको यूज़ करके आप पा सकते हैं ग्लास स्किन, जैसे कि आपने देखा होगा कोरियन की स्किन कितनी ग्लासी होती है, बट वैसा स्किन हमारा नहीं होता है, तो इस हैक से आप पा सकते हैं ग्लासी स्किन। तो मैं आपको वो हैक बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये NYBA का 3-in-1 फाउंडेशन, इसमें है प्राइमर, सीरम एंड फाउंडेशन। सरलता ये फाउंडेशन लेना है। तो गाइज मैंने फाउंडेशन भी ले लिया है, तो इस फाउंडेशन में आपको यूज़ करना होगा NYBA का ये स्ट्रोक क्रीम, जिसे यूज़ करके आप पा सकते हैं ग्लासी स्किन। तो इस फाउंडेशन में आपको ये स्ट्रोक क्रीम को मिक्स करना है एंड ये ख़त्म भी होने वाला है, मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया कि बस। सो इसको मिक्स करना है ऐसे, तो मैं आपको ये वाले साइड पे लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि हाँ मतलब सच में स्किन ग्लासी लगती है कि नहीं। अगर मैं पूरे स्किन में लगा दूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, तो मैं हाफ में लगा के दिखाती हूँ आपको। तो गाइस आप डिफरेंस देख सकते हो ये वाला स्किन कितना डल लग रहा है एंड ये वाला कितना ग्लासी स्किन लग रहा है एंड कितना ग्लो कर रहा है। सो मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ग्लासी लग रही है। तो अब मैं पूरा मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ, सो सिर्फ ब्लश लगाऊंगी। और लिपस्टिक। तो गाइज मेकअप तो डन हो चुका है, तो ये मेकअप को मैं आपको बाहर जाके सनलाइट में भी दिखाती हूँ कि कितना नेचुरल एंड कितना ग्लासी स्किन लगता है सनलाइट में भी। तो गाइज अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके स्किन कोरियन की तरह ग्लास स्किन लगे, तो ये प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कीजिए एंड परचेज कीजिए। तो मैं अभी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, देखते हैं यहाँ से कितना दूर है वो लोकेशन, वैसे तो एड्रेस भेज दिया है। सो रेडी होते फिर एड्रेस देखते हैं कितना दूर है, फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं एंड देखते हैं कि कौन है, हमें तो आप लोग देखिए कि कौन आया है। यस, अभी चलते हैं, यहाँ से एक घंटा दूर है, लोकेशन हमने डाल दिया है, तो एक घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो गाड़ी के लिए हम लोग को हमेशा
मेगा को चलाना पड़ता है। जुगलबंदी होती है पर फिर भी मेगा मानी जाती है आखिरकार। अगर नहीं मानेगी तो फिर मुंबई थोड़ी आऊँगी मैं। मजाक कर रही हूँ। क्यों मास्क क्यों? फेस मास्क। मास्क क्यों चाहिए? बहुत धूल होता है। ओ माय गॉड, जाना ले आना, मैं तब तक व्लॉग बना रही हूँ। तो ना मैं सोच रही हूँ जाने से पहले गिफ्ट लेके जाऊंगी। एंड अभी मौसम तो पूरा साफ हो गया पर कुछ नहीं कह सकते, बारिश भी हो सकती है क्योंकि इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले, बाप रे। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं इन्फिनिटी। तो गाइज मैं सोच रही थी कि मैं जा ही रही हूँ मिलने, तो एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे गिफ्ट देख रही हूँ। तो गाइज जिस काम से हम इन्फिनिटी आए थे वो काम हो चुका है एंड वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने यहाँ पे गिफ्ट ले लिया है उनके लिए, तो चलते हैं अभी। तो अभी हम लोग होटल में पहुँच चुके हैं, इतना बड़ा होटल है ना बाप रे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर रूम पे, तो दिखाती हूँ कौन है, कौन आया है जिससे मिलने हम जा रहे हैं। तो गाइज जो मैंने गिफ्ट लिया है इसमें मैंने बताया नहीं आपको क्या लिया। मैंने लिया है लिप ऑयल एंड ब्लश, क्योंकि जिनको देना है उनको मेकअप बहुत पसंद है। हम तक तो आइडिया समझ गए होंगे। 1 to 9 देख, बहुत। ओ माय गॉड, होटल देखो गाइज, एयरपोर्ट के जस्ट बगल में ही होटल मिला है। कल हम चले जाएंगे चंडीगढ़, किसी को नहीं बताएंगे। चंडीगढ़ 1 to 9 है रूम नंबर, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। कैसा है ये रूम? मेरी कलीग सो रही है। अच्छा हेलो हेलो, मेरी कलीग सो के जाके सो रही है। क्या बना रही हूँ, यहाँ पे दीदी रेडी हो रही है। दीदी आपके लिए देखो तो सही है। दीदी रेडी क्यों हो रहे मैंने ऊपर कैफे में? यहाँ पे ना सारे ज्यादातर लोग एयर होस्टेस वगैरह रह रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हम लोग आए तो हमसे पूछा रूम नंबर और हमने इतने कॉन्फिडेंटली 129 बोला और एकदम से बोला जाओ। उनको लगा हम लोग भी एयर होस्टेस हैं। अगर नाम भी पूछ लेते ना मेरा नाम ले देना था। अच्छा ये शेड नहीं था ना आपके पास? नहीं था। अरे यार लग रहा है और क्या हटा ना इसको, ये आपके लिए परफेक्ट मिरर है। दीदी रेडी होते फिर कैफे है ना ऊपर? हाँ। तो ऊपर कैफे है, फिर हम लोग वहीं पे थोड़ी देर बैठेंगे खाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर कैफे में। एंड दीदी आपका यहाँ पे आना कैसा हुआ वो बता दो। यहाँ पे आना तो होता रहता है पर इस बार स्पेशल हुआ, वर्षा से मिली। वही दीदी की फ्लाइट थी तो दीदी जस्ट बहुत कम है रेस्ट टाइम ना, नहीं तो फिर मैं आ ही जाती घर में। कौन सा फ्लोर है? 6th to 7th में जाना है हमें। तो दीदी का फ्लाइट था तो दीदी का आज मुंबई में था एक दिन, मुंबई में ही थी और मैं भी जस्ट आज ही आई हूँ। तो फिर हमने सोचा कि मिल जुला के आज आ गई। हाँ दोनों कन्याएं आज आ गई, दोनों कन्याएं। तो दीदी जोन से होटल में रुके उसके जस्ट ऊपर ही ना ये कैफे था, तो हमने सोचा चलो यहीं पे जाके थोड़ी देर बैठते हैं। तो हम लोग बैठे, इतना
तेज़ म्यूज़िक बज रहा था तो मैं वीडियो भी बना नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत क्लिप ले लेते हैं, मैं वॉइस ओवर डाल दूँगी इसमें। और हम लोग अभी वेट कर रहे थे पिज़्ज़ा का, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो वो आया नहीं था, एंड मेघा भी अपने इशारों में बता रही है कि हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है अभी तक आ नहीं रहा है। और फिर यहाँ पे दीदी मेघा को बोल रही है कि मैं अपने फ्रेंड को लेने जा रही हूँ, क्योंकि दीदी की दो दोस्त भी आने वाली थी जो दीदी के रूममेट्स ही है जो दिल्ली में साथ में रहते हैं, तो वो लोग भी अभी मुंबई में थे, तो फिर उन्होंने बोला हम भी आएंगे, तो वो भी आ रहे थे मिलने के लिए। तो दीदी बोल रहे थे कि मैं उनको लेके आती हूँ नीचे से, तो वही दीदी गए उनको लेके आए। तो ये है दो फ्रेंड, एक को तो आपने देखा भी होगा इनको, ये गोवा में भी थे हमारे साथ, और जो दूसरे वाले हैं ये भी उनके रूममेट्स ही है। एंड हम लोग सब इतना खुश हो रहे थे कि हम लोग इतने टाइम बाद सब लोग मिले हैं, क्योंकि हम जब भी दिल्ली दीदी के घर पर जाते हैं तो हम साथ में हम लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है, एंड हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे एंड इन्जॉय कर रहे थे एंड प्लान कर रहे थे कि इसके बाद हम लोग कहाँ जाए क्या करें। तो वही प्लान करते करते मुझे मिले मेरे सब्सक्राइबर्स, तो वो बोल रहे थे हम आकाश को भी फॉलो करते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे भी कोई मिला मुझे। तो वहाँ पे तो व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि इतना बिजी थे। तो ये है दीदी की फ्रेंड रूममेट प्रतीक्षा, और ये दूसरी, इनसे तो आप पहले ही मिल चुके हैं, गोवा में इन्होंने सरप्राइज दिया था ना आज फिर से। सो क्यूट, सो नाइस, सो क्यूट बोलने की, तो इनको हम इसलिए चिढ़ाते हैं। तो अभी मेघा और मैं जा रहे हैं स्कूटी में, और मैंने बाल भी बांध लिए क्योंकि स्कूटी में बाल उड़ते हैं। तो दीदी और उनकी जो दो फ्रेंड थे वो जा रहे हैं ऑटो से, तो हम लोग जा रहे हैं क्लब। बैठो बैठो बैठो, मैम कहाँ जाओगे? क्लब क्लब, तो बहुत ही डिसाइड करने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो आर अड्डा पे चलते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आर अड्डा पे आए एंड यहाँ पे हमने बहुत मस्ती की, खाया एंड थोड़ा बहुत डांस भी किया, मतलब ऐसे बैठे बैठे डांस किया सब ने थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे दीदी एंड दीदी की दोस्त, फिर मेघा तो आपको पता ही है डांस नहीं करती है, तो वो बोली थी नहीं नहीं उधर ले जा कैमरा उधर ले जा, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, फिर मैंने थोड़ा वीडियो बनाया अपना। तो गाइस कैसा लगा, तुम लोगों को मजा आया? वेरी मच फन। अच्छा फोटो फोटो फोटोग्राफी एवढा पार्ट असतो। बड़ी हंसी आ रही है क्या हो गया? हम पांचों का फोटो खींचने के लिए दिया, सर के ऊपर से खींचा है, सर के ऊपर से ऐसे कैसा ऐसे यार बेमन की जो फोटो ऐसे ऐसे खींचा उसने ऐसे भाई ऐसे पेड़ है पेड़ ऐसे ऐसे भाई यार मतलब वो ज्यादा खींचा उसने ऐसे गाइस अभी हम लोग आए हैं जू बीच, यहाँ पे एकदम मस्त करते हुए, ये देखो ये तीन छोटी बच्चियाँ हैं। मम्मी कहाँ है बेटा तुम लोग की? तीन छोटी बच्चियाँ हैं, मम्मी कहाँ है? पैंडी क्या? मम्मी खो गई, मम्मी खो गई घर पे। अच्छा मम्मी को ढूंढो हमारे। मम्मी पानी आ रहा है, मम्मी पानी पानी मेरे चैनल में क्या है जो करूँ मैं? मेरे को देख के हंसती रहती है लड़की। क्या है चाहिए होता है नहीं बता दे क्या है? शी गेट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, उसको हंसती रहती है हंसती रहती है। देखो मैंने नहीं, उन्होंने बोला ना मम्मी गए हमारी मम्मी ढूंढो है ना घर करके, मम्मी कैसे थी तेरे मम्मी भी हंस रही थी। हां सबको देख के हंसती है, सबको देख के हंसती है। So बस हम लोग बीच में फोटो खींचने आए थे,
जो हो गया हो गया, इतनी काम था। ओह माय गॉड, बस बहुत खतरनाक काम था हमको। अभी हम घर जा रहे हैं वापस। अब यहाँ से सबकी मंजिल अलग हो जाएगी। बाय बाय बाय। मैं चाहती हूँ लेफ्ट प्रोफाइल। बाय। ये क्या था? लेफ्ट प्रोफाइल। चलो बाय 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 वर्षा। अबे ये क्या था? बाय 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 बाय। ओके बाय। ये दोनों इसमें जाएंगे। दीदी इसमें अकेले अकेले जान सकते? हाँ हाँ, कुछ नहीं। और मैं स्कूटी में। बाय बाय। चलो भाई अब स्कूटी निकालो हमारी। तो गाइज हम लोग घर पे भी आ चुके हैं और मम्मी लोग सब सो चुके हैं क्योंकि अभी बज गए हैं रात के, कितना बज रहे मेगा? 12:30 हो चुके हैं और अभी तक आकाश नहीं आया है। एंड काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आकाश व्लॉग क्यों नहीं डालता, आकाश का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। आप देख ही सकते हो कितना बिजी है, सुबह गया था और अभी तक घर पे नहीं आया, मतलब इतना प्रैक्टिस चलता रहता है तो इसके कारण वो व्लॉग भी नहीं डाल पा रहा है। एंड बीच में उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, बाय।